बड़ौदा चुनाव का संग्राम दिनों दिन बदल रहा है। दो दिन पूर्व महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने, जिन्होंने पहले कपूर नरवाल का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करवाया था, अब खुद उन्होंने जनता से क्या अपील की आप सुनकर हैरान रह जाओगे। इसे कहते हैं राजनीति। नमस्कार, मैं बलराज कुंडू। आज एक बड़ौदा चुनाव के ऊपर आप सबसे बातचीत करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। हमने 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी के एक कमजोर और डम्मी उम्मीदवार को देखकर इस भय के तहत कि कहीं भारतीय जनता पार्टी इस डम्मी कैंडिडेट के सामने जीत ना जाए, उसी डर के भय से हमने डॉक्टर कपूर नरवाल जी को चुनाव लड़ाने की तैयारी करके मैंने उनको समर्थन दिया था। उसके बाद 3 दिन तक जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर हमने प्रतिक्रिया ली, उनसे विचार विमर्श किया, लोगों ने आकर मुझे उसके बारे में विश्लेषण दिया, और जो डर एक भय लोगों के बीच में मैंने देखा कि इस प्रकार से तिकोना मुकाबला होने से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हो सकती है, हमारे वोटों का डिवाइड का फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिल सकता है, तो मैंने तो पहले भी कहा था मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार बार अपील भी की थी कि हम सबका एकमात्र उद्देश्य है, और मैंने सभी पार्टी के नेताओं से अपील भी की थी कि मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि हम सब मिलकर आएँ और किसी एक उम्मीदवार को आगे बढ़ाकर कोई रिस्क ना लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराने का काम करें। उसी संदर्भ में सभी से 3 दिन की इस विश्लेषण के बाद लोगों के अंदर जो एक भय देखा कि कहीं इस तिकोने मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का निकल गया जीत हो गई तो ये किसान मजदूर कमेरे वर्ग की हार होगी, और इसी डर को मैं पूरा चिंतन करने के बाद मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत होकर उस गरीब कमेरे वर्ग की, किसान मजदूर छोटा व्यापारी आड़ती की हार हो। बलराज कुंडू किसान मजदूर कमेरे वर्ग और छोटे व्यापारी की लड़ाई लड़ने के लिए, उसके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए ही राजनीति में आया है, तो उस बात के को ध्यान में रखते हुए मैं किसी प्रकार का रिस्क लेने नहीं ले सकता, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाना ही मेरा लक्ष्य और उद्देश्य है, और उसी के मैं तहत इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार को, जिन्होंने वो 3 काले कानून थोपकर प्रदेश और प्रदेश के किसान मजदूर और कमेरा वर्ग को बर्बाद करने की जो साजिश रची है, उसकी इस लड़ाई में मैं ये फैसला लेता हूँ कि हम डॉक्टर कपूर को उनकी उम्मीदवारी वापस लेकर मैं उनसे समर्थन वापस लेता हूँ। डॉक्टर कपूर को भी निवेदन करता हूँ कि हमें अपना अहम और वो भूलकर हम सबको किसान मजदूर और कमेरा वर्ग के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करनी है। इसी संदर्भ में आज अभी उनसे लंबा विचार विमर्श भी हुआ, और अभी जाकर हम डॉक्टर कपूर को निवेदन करके उनका पर्चा वापस करवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे, और मेरी पूरे बड़ौदा के वासियों से भी ये निवेदन करता हूँ कि हम सबको एक दूसरे के प्रति कोई भी भावनाओं को भूलकर सबका एक उद्देश्य किसान मजदूर और कमेरे वर्ग का, हम सबको एकजुट होकर आज हम सबका एक उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के उम्मीदवार को हरा कर किसान कमेरा वर्ग की जीत को आगे बढ़ाना है, जनता की ताकत को एहसास कराना है भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाह सरकार को, और उसी के उद्देश्य से मैं आज सबको बार बार अपील करता हूं, हमें एकजुट होकर अपनी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए डालनी है, और ये आप सबकी जीत होगी, किसान की जीत होगी, मजदूर की जीत होगी, छोटे व्यापारी और कर्मचारी की जीत होगी। धन्यवाद।
ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।